देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आज पुण्य तिथि का दिन है, अगर आज माँ के दर्शन की कोई इच्छा करेगा तो मैं जरूर उसकी व्यवस्था करूंगा। पहले आप लोग जरा बैठिए। अच्छा, लगता है मैंने इनको राजचंद्र के यार दोस्तों के बीच देखा है। जी आपने ठीक ही देखा है, मैं राजचंद्र का ही दोस्त हूँ। मेरा नाम राजीव लोचन रॉय चौधरी है। राजीव मेरे भाई का बेटा है और इसका नाम है रामला। ये मेरा सुपुत्र है। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए, कृपा करके बैठिए। बैठो, तुम लोग भी बैठो। ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर पाऊंगा। सूरज सर पर आ जाने से आपकी छोटी बहू को तकलीफ होगी। आप लोगों को तो पता ही होगा कि अब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। संतोष राय चौधरी महाशय को सब बात खुल के बताओ। प्रीतराम, गुरुदेव के आदेश का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। असल में राय चौधरी महाशय हमारे घर में जनार्दन जी प्रतिष्ठित हैं। हमारे गुरुदेव ने बताया है कि हम लोगों को कालीघाट में पूजा करना उचित नहीं होगा। आप तो समझ ही रहे होंगे। आप मुझे माफ कीजिएगा दास महाशय। मुझे पता है मैं छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन राजचंद्र ने ऐसा फैसला मान लिया? वो तो राम मोहन राय का साथी है, वो तो ऐसी बातों पर विश्वास ही नहीं करता। घर के देवता की पूजा होगी इसलिए शक्ति पूजा में शामिल नहीं होगा, ऐसी बात वो कैसे मान सकता है? जी राजीव, ये कैसी बात है? असल में देवी माँ जब जिसको बुलाएगी वो तब जाएगा ही, उसे रोक कर नहीं रखा जा सकता। माँ की कृपा से कोई रास्ता निकल ही जाएगा। माफ कीजिए दास महाशय, आप लोग शायद हमें गलत समझ रहे हैं। देवी माँ की पूजा करने के लिए हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं किसी को। मुझे माफ कीजिए, मुझे शायद इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी। असल में हर जगह सुनता हूं ना कि शमशान की देवी की घर में पूजा करना अच्छा नहीं है। मेरा विश्वास है कि ऐसा एक दिन जरूर आएगा जिस दिन गृहस्थों के घर में कालीघाट की मां की महिमा का प्रचार होगा। जो भी हो चाचा जी, मुझे लगता है कि हम यहाँ रुककर हमारे समय की बर्बादी कर रहे हैं और कुछ नहीं, चलिए। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो बेटा? बैठो, जरा बैठ जाओ। राय चौधरी महाशय आज पहली बार हमारे घर में आए हैं, थोड़ा अतिथि सत्कार तो करने दीजिए। ए कौन है, अंदर खबर भिजवा दो और चंदर को बोलो यहाँ आने के लिए। देवर जी, आपको एक बार बैठक के कमरे में बुलाया है। पता नहीं सुबह सुबह कौन कौन आ गए। ये क्या? देवर जी, बहू, सुबह सुबह कहाँ चले गए सब? बड़ी दीदी, अच्छा तुझे पता है छोटी बहू कहाँ है? घर में कोई भी नहीं है, बच्ची को भी देखा था सुबह लाके गोद में। हाँ बड़ी दीदी, बड़े जेठ जी तो दीदी को लेके रात को ही चले गए हैं। क्या, कहाँ गए हैं? तुझे कैसे पता चला? निकलने से पहले छोटी दीदी सब बता के गई है। वो तो महल के दर्शन के लिए गई है, इसीलिए मैं रोज रात दरवाजा खुला छोड़ती हूँ। अचानक देखती हूँ दीदी आई है। दीदी तो मुझसे बता के गई कि जेठ जी छोटी दीदी को लेके कालीघाट जा रहे हैं तीर्थ के लिए। क्या कह रही है तू? सत्यानाश, अगर ये बात एक बार नानी माँ को पता चल जाए। क्या पता चल जाएगा नानी को?
छोटी बहू बहुत देर से स्नान घर में गई है, तो जल्दी आने को बोल रही थी। छोटी देवरानी को झूठ बोलना सिखा रही है बड़ी बहू। छोटी बहू स्नान घर में गई है, मुझे बता रही हो तुम? सच सच बताओ तुम लोग, छोटी बहू कहाँ गई है? पता नहीं नानी माँ, छोटी दीदी तो बता रही थी कि वो तुम्हारी सास को अगर पता चल जाए तो तुमको काट कर रख देगी सर। चंदर की माँ का दिल बहुत कोमल है, पर तुम्हारी सास का दिल इतना नरम नहीं है। तो क्या आज अपनी सास के हाथों मार खाना चाहती हो? अभी भी कह रही हूँ, सच बताओ छोटी बहू कहाँ गई है? क्या हुआ, तुम लोग बोलोगे कि नहीं? काली घाट। काली घाट, मुझे पता था मुझे उस लड़की की इतनी जिद है कि वो चंदर को ले जाने के लिए मजबूर करेगी। देखो देखो देखो, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। इस घर की बहुओं का लगाम अगर नहीं खींचा गया तो ये घर डूब जाएगा, बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं बता देती हूँ बड़ी दीदी, अभी तो इस घर में सबको ये बात पता चल जाएगी। मैंने क्या गलती की है बोलिए दीदी। सासू माँ को अगर इस बारे में पता चल जाए कि मैं जेठ जी और दीदी की काली घाट जाने के बारे में छुपा के रखा है, तो फिर वो मेरे शरीर की चमड़ी उधेड़ देंगे। रो मत नहीं बहू, रो मत। क्या करती पता ना, एक बार सोच के देख, छोटी बहू वापस आएगी तो क्या होने वाला है? हाँ पता नहीं वो दोनों कहाँ गए होंगे। साधु बाबा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, किस रास्ते पर जाऊं बताओ तुम? मुझे एक जोड़ी सफेद चूड़ियां दे दीजिए, जल्दी कीजिए भैया। मेरे पति को मैं पेड़ के नीचे लिटा कर आई हूँ, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम लोग यहाँ इंतजार करो और बहुरानी का ध्यान रखो, मैं जरा देखता हूँ कि साधु बाबा मिलते हैं कि नहीं। उस दिन तो उनका नाम भी नहीं पूछ पाया। रानी तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। तुम चिंता क्यों कर रही हो बेटी, कालीघाट की चूड़ियों की अलग शक्ति होती है। यहाँ की चूड़ियों का महत्व जानती हो ना? स्वयं माँ काली यहाँ भवानी दास ठाकुर के हाथ से चूड़ियां पहनती थी। भवानी दास ठाकुर कौन है पता है? कालीघाट मंदिर के सबसे पहले पंडित महाशय थे वो। ये चूड़ियां बहुत शुभ हैं, बहुत शुभ हैं। बाबा आप क्या कह रहे थे, माँ काली ने इस जगह पर सफेद चूड़ियां पहनी थी? बेटा आप कौन हो और कहां से आई हो? ये है दास परिवार की छोटी बहुरानी। मेरा कितना सौभाग्य है
कितना सौभाग्य है मेरा। बाबा आप वो कहानी बताइए ना, माँ काली ने कैसे सफेद चूड़िया पहनी थी। जिस दिन भवानी दास ठाकुर पहली बार अपने गांव से आए थे तब वो सफेद चूड़ियों का व्यापार करते थे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अपना गुजारा कैसे करेंगे। उस जगह बैठे थे वो, उसी जगह बैठकर सोच रहे थे। हे गोविंद जी, पिता की खोज में हर तीर्थ घूम रहा हूँ, पेट भरने के लिए सफेद चूड़ियां बेचता हूँ। आज एक जोड़ी चूड़ी भी नहीं बिकी। ये माँ काली का क्षेत्र ऐसा ही खाली पड़ा है, अब यहाँ कौन चूड़ियां खरीदेगा। ओ चूड़ी वाले, सफेद चूड़ियां पहनने दो ना मुझे। तुम कौन हो बेटा, किस घर की बेटी हो, यहाँ कैसे आई। मैं बहुत दूर से आई हूँ सफेद चूड़ियां पहनने के लिए। किसके साथ आई हो बेटा, चूड़ियों का दाम कौन देगा। पहले पहनाओ तो, मंदिर में मेरे पिताजी हैं, वहाँ से कड़ियां लाके दे दूंगी, ठीक है। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो, देखूं जरा। हाँ, अभी कड़ियां लेकर आओ। रुको जरा, पानी में डुबकी लगा लेती हूँ, उसके बाद तुम्हें पैसे लाकर दूंगी, ठीक है। अरे रे, अरे लड़की, पहले कड़ियां तो दे दो बेटा, बाद में डुबकी लगा लेना। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है, अगर मुझे देर होगी तो तुम मंदिर जाना। बाबा आप, प्रणाम। जय माँ। बेटी यहाँ खड़ी रहकर क्या देख रही थी, ये एक पवित्र स्थान है, भवानी दास ठाकुर देवी माँ के पहले पुजारी थे वो, उनको माँ काली के दर्शन मिले हैं यहाँ। माँ ने सफेद चूड़ी पहन के पानी में डुबकी लगाई थी, भवानी ठाकुर को कैसे समझ आया कि वो असल में देवी माँ ही थी। ये सारी बातें कैसे पता है बेटी? मैंने तो देखा है वहां पर। देखा, दर्शन हो गया तुम्हारा। ओ माँ, माँ ये कैसी लीला है तुम्हारी माँ। दर्शन, दर्शन मतलब। दास महाशय, आपके पत्नी की श्रद्धा उच्च कोटि की है, ये पुण्य आत्मा है। रानी उसे बुलाइए, वो पानी की तरफ क्यों जा रही है। आप डरिए मत, मैं देखता हूँ। बेटी, माँ जननी, वापस चलो बेटी, मैं तुम्हें सुनाता हूँ भवानी ठाकुर की कहानी। भवानी ठाकुर बैठे ही रह गए, लेकिन वो लड़की पानी से बाहर नहीं आई, तो फिर भवानी ठाकुर मंदिर में गए।
गया तू हो। आ जा, अंदर आ जा, मेरी देवी माँ गृहस्थों की पूजा चाहती है। जय माँ, जय माँ। देखिए साधु बाबा, ये सब बातें छोड़िए, आपकी बेटी मुझसे चूड़ियां लेकर गई और अभी तक आई ही नहीं। बताइए बाबा, इन चूड़ियों का पैसा कौन देगा बाबा? तेरी चूड़ियों का दाम कितना है? कितना दाम चाहिए बता? हारे देख तो, ये तो वही सफेद चूड़िया है कि नहीं? ये क्या हो गया माँ? मैंने आपसे पैसे कैसे मांगे माँ? खुद आकर सभी चूड़ियां पहन के गई और मैंने आपको पहचाना ही नहीं। आओ बेटी, बिना विघ्न के पूजा करना। हाँ, मैं तुम्हें राह दिखाकर ले चलता हूँ। चलो। सब खत्म हो गया। आप यहाँ आए हैं, ये बात बड़े मालिक को पता चल गई। आप लोगों को अभी घर पे वापस बुलाया। अब और देर मत कीजिए। क्या आप लोग किसी को बिना बताए यहाँ आए हैं दास महाशय? पूजा भी नहीं की। रानी, तुम ये पूजा की थाली साधु बाबा के हाथ में दे दो, वो तुम्हारे लिए पूजा कर देंगे। साधु बाबा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, आप जरा हमारी मदद कीजिए। जय माँ, जय माँ। सरदार, हम लोग अभी वापस जाएंगे, तुम आयोजन करो। जी छोटे मालिक। रो मत रानी, रो मत। देखो, हर तरफ सोच विचार करके पिताजी को सब कुछ पता चल गया है। हम लोगों को वापस जाना ही होगा। जाओ, तुम ये थाली साधु बाबा के हाथ में दे दो। जय मां। मुझे नहीं पता आपके पास आने के लिए इतनी रुकावटें क्यों आ रही हैं, लेकिन आज नहीं तो कल मैं आपके दर्शन जरूर करूंगी। रानी, आओ। माँ काली आप लोगों का मंगल करें। चलो। जय माँ, जय माँ। सब आपकी लीला है माँ। पता नहीं उस लड़की के भाग्य में आपने क्या लिखा है।